एवरी वन वेलकम बैक टू दिस चैनल लास्ट मिनट रिविजन विद आर एम आई एम बैक विद अनदर वीडियो तो टूडेज वीडियो इज अबाउट द पार्ट वन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर सेमेस्टर फाइव एटी के टी स्टूडेंट्स तो मुझे काफी सारे कमेंट मिल रहे थे सर हमें फाइनेंस का के टी नहीं है हमें कॉस्टिंग का के टी है तो so, आपको अभी ऐसे ही वीडियोज मिलने वाले कभी फाइनेंस का कभी कॉस्टिंग का कभी मार्केटिंग का कभी इकोनॉमिक्स का तो उसी लेवल पे आपको या कभी डायरेक्ट टैक्स का तो उसी बेसिस पे वीडियो मिलते रहेंगे आपको मैं ट्राई करूंगा कि डेली बेस पे आपको एक हाथ तो वीडियो मिल जाए और बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ए टीके डी की एग्जाम पहले है तो एटी के डी के भी एग्जाम्स के लिए मैं लेक्चर ले लूंगा और एक हाथ हम लाइव सेशनस भी ले लेंगे ताकि आपको फिर उससे रिलेटेड काफी सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए ठीक है चैनल्स के साथ बने रहे और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि हम किस तरीके से रिवीजन कर रहे हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग सेमेस्टर फाइव पार्ट वन ये है आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन प्रोडक्शन मैनेजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर पर्सनल कॉस्ट सेंटर इनपर्सनल कॉस्ट सेंटर या सर्विस कॉस्ट सेंटर जो प्रोडक्शन मैनेजर है देखो आंसर जो है जो question जो जो क्वेश्चन क्वेश्चन है है के साथ जो options है, उसी में आंसर है और इसका राइट right आंसर है पर्सनल कॉस्ट सेंटर ठीक है अभी बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे प्रोडक्शन मैनेजर को प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर में डालेंगे तो प्रोडक्शन मैनेजर जो है दैट इज बीन एग्जाम्पल ऑफ दी पर्सनल कॉस्ट सेंटर गोल्ड इन ज्वेलरी ज द एग्जाम्पल ऑफ बेसिक रॉ मटीरियल रॉ मटीरियल सेमी फिनिश गुड्स या फिनिश्ड गुड्स तो गोल्ड जो यूज होता है ज्वेलरी में वो किसका एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है बेसिक रॉ मटीरियल का ध्यान रखना गोल्ड जो है दैट इज देश रॉ मटीरियल इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपोजिट इज जो इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपोजिट है मतलब बैंक में अगर हम डिपॉजिट रखेंगे तो वहां से जो भी हमको इंटरेस्ट मिलता है वो कहां क्रेडिट किया जाता है या डेबिट किया जाता है तो ऑप्शन आर क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड इन फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिटेड इन कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड डेबिटेड इन कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस राइट आंसर इज क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस बिकॉज कॉस्टिंग में कॉस्ट कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में हम ऐसा कोई भी इनकम को रिकॉर्ड नहीं करते आपने देखा होगा कॉस्टशीट बनाते वक्त कॉस्टशीट में हम सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड करते इनकम को रिकॉर्ड नहीं करते तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आफ्टर रिसीविंग मटीरियल इंस्पेक्शन नोट द रिसीविंग ऑफिशियल विल प्रीपेयर जैसे ही मटीरियल मटीरियल इंस्पेक्शन नोट रिसीव होगा तो जो उसका ऑफिशियल पर्सन होगा वो क्या प्रिपेयर करेगा मटीरियल रिक्विजिशन गुड्स रिसीव्ड नोट रिसिप्ट ऑफ मटीरियल या नन ऑफ दी अबाउट तो ध्यान रखना टेक्निकल पॉइंट है तो वो प्रिपेयर करेगा गुड्स रिसीव्ड नोट तो ही इज गोइंग टू प्रिपेयर गुड्स रिसीव नोट फर्दर पॉइंट नंबर फिफ्थ सिलेशन का क्वेश्चन इन रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इन फाइनेंशियल अकाउंट इज तो अगर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है उसमें अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हुआ किसमें ओवर वैल्यूड हुआ फाइनेंशियल अकाउंट में तो एडेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट एडेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट डिडक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस या डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस तो राइट आंसर इज एडेड टू कॉस्टिंग देखो क्या है एक साइड कॉस्टिंग है एक साइड फाइनेंस है सबसे पहले क्या होता है आपका क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक क्या है आपका इनकम इनकम अगर बढ़ता है तो प्रॉफिट भी बढ़ता है ये ध्यान रखना तो क्या बोल रहा है ये क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इन फाइनेंस फाइनेंस में अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा रिकॉर्ड किया तो फाइनेंस का प्रॉफिट क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा तो देखो मैं यहाँ पे सी लिखता हूँ यहाँ पे एफ लिखता हूँ फाइनेंस का प्रॉफिट क्या होगा ज़्यादा हो गया फाइनेंस का लेवल बढ़ गया तो फाइनेंस ऊपर यहाँ पे अभी फाइनेंस इधर आ गया है तो हमको क्या करना पड़ेगा कॉस्टिंग को भी फाइनेंस के बराबर लाना पड़ेगा इसीलिए हम इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे तो इसीलिए आंसर क्या है आपका एडेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा कंसेप्चुअल पार्ट है तो ध्यान से इसको समझना मैंने ट्राई किया है कि आपको इसका पॉइंट क्लियर हो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे अंडर एबीसी टेक्निक ए स्टैंड फॉर ए जो है वो क्या किस लिए डिनोट करता है हाई लो एवरेज एन ऑफ दबाउ तो ध्यान रखना ए इज स्टैंडिंग फॉर हाई ठीक है हाई वैल्यू के जो कमोडिटीज uh, होते हैं या हाई वैल्यू के जो गुड्स होते हैं वो डिनोट करता है फर्दर अंडर विच मेथड न्यू इश्यू प्राइस इज डिटरमाइंड आफ्टर एवरी परचेज ऐसा कौन सा मेथड है स्टॉक वैल्यूएशन का मटेरियल कॉस्टिंग का जिसमें हर बार जब परचेस किया जाता है तो हम नया प्राइस कैलकुलेट करते हैं, फिफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हिफो हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट या वेटेड एवरेज तो वेटेड एवरेज ही ऐसा मेथड है जिसमें हम एक परचेस करने के बाद उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं पॉइंट नंबर wage so, इन ऑफ द ंग इन्सेंटिव प्लान ऑन टाइम बेसिस आर नॉट गारंटेड गोवेन प्लान रोवेन प्लान टेलर डिफरेंशियल पीज रेट प्लान या गैंट टास्क बोनस प्लान तो इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें वेजेस जो टाइम बेसिस पे होंगे वो गारंटी के बेसिस पे नहीं होंगे तो राइट आंसर फॉर दिस इज टेलर्स डिफरेंशियल पीज रेट ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है

बिहेवियर या ऑल ऑफ दी दब तो ओवरहेड जो एक्सपेंसेस होंगे वो क्लासीफाई होंगे किस बेसिस पे तो वो क्लासीफाई होंगे सारे बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस एलिमेंट्स एंड बिहेवियर दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन अगले बार मिलेंगे और कुछ नए एम सी क्यू उसके साथ अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे मेरा चैनल है लास्ट मिनट रिविजन विद आर एम उसको ज्वाइन कर ले बिकॉज ये सारे कंबाइंड पी डी एफ में वहीं पे शेयर करने वाला हूँ ताकि आपको उसका बेनिफिट लास्ट मूवमेंट में मिलते रहे और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगली बार जब वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर